किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह चौहान कांग्रेस छोड़ बीजेपी के साथ आए नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष ग्रहण की सदस्यता। खबर कराहल से है, जहां लोकसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव में भी विजयपुर विधानसभा में दल बदल का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी कोई भाजपा तो कभी कोई कांग्रेस का दामन थाम रहा है। अब पर तो वाड़ा निवासी कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता प्रदीप सिंह चौहान ने कांग्रेस से मोह भंग कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने की क्या वजह रही है, सुनिए। दल बदल के खेल में एक जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, प्रदेश लेवल के नेता थे, वो हमसे आज चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने भी आज कहीं ना कहीं एक लंबी राजनीति के बाद कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है और भाजपा में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप सिंह चौहान जी, परतवाड़ा निवासी, जो जनपद सदस्यपति भी हैं। इनसे मिलकर जानेंगे क्यों इन्ना की। प्रदीप जी, क्या वजह रही, क्या ऐसे कारण आए कि बीजेपी जो आप कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, प्रदेश में भी आपने राजनीति की, कैसे आपने एकदम ये हृदय परिवर्तन चुनाव के अनुवक्त कर दिया? बिक्की भाई जी, हृदय परिवर्तन मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से मीटिंग की थी, तो कार्यकर्ताओं ने बोला भाई साहब आप राष्ट्रहित की पार्टी भाजपा में शामिल हो जाइए, जो राष्ट्र को सब प्रिय लेकर चल रही है और भारत का आज पूरे देश एवं विदेश में नाम है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे विधायक जी रामनिवास रावत जी के नेतृत्व में मैंने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। अभी आप जो है, जो बाबा साहब हैं जयवर्धन सिंह जी, उनके बड़े कट्टर समर्थक माने जाते हैं और ज़िले में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा करीबी आप ही उनकी थी। अब इस वक्त क्या हुआ बाबा साहब के, आपने बाबा साहब की पार्टी को छोड़ दिया, क्यों क्यों हुआ ऐसा? आदरणीय हुकुम, जयवर्धन सिंह जी से मेरे पारिवारिक संबंध हैं और मेरे कोई पार्टी संबंध नहीं है उनसे, वो हमेशा ही रहेंगे, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध हैं। प्रदीप जी, अभी जो दल बदल का खेल लगभग 10 से 15 दिन के बीच से अपनी विजयपुर विधानसभा में चल रहा है, तो जब रामनिवास जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे तो आपने एक फेसबुक पोस्ट की थी, क्योंकि आप फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपकी पोस्टों को काफ़ी लोग देखते हैं, कि आपने कराल के दो शख्स थे, एक तो रविंद्र पाठक जी और एक ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान जी को बड़ा ईमानदार नेता बताकर कहा था कि ये है सच्चे कांग्रेसी, ये हैं सच्चे ईमानदार नेता, तो आपने ईमानदारी की गौरव गाथा उनके लिए गाई थी, तो आप ही पार्टी छोड़ गए, इस पर क्या कहोगे? देखो, वो ईमानदारी से पार्टी का काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो, जिस पार्टी में आप रह रहे हो उसका ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, वो कार्य कर रहे हैं। पर कराल का जो नेतृत्व है वो किसी प्रकार कोई कांग्रेस कार्यकर्ता को ना लेकर चलते हुए अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, किसी प्रकार कोई कार्यकर्ता पर ध्यान ही नहीं है उन लोगों का। कार्यालय में भी जाते हैं तो कोई व्यक्ति मिलते ही नहीं है, ना कोई मेंटेन करने वाला है, ना किसी प्रकार का कोई कार्य करने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि जो स्थानीय कांग्रेस है उसमें अनदेखी का शिकार कार्यकर्ता हो रहे थे? जी जी, अनदेखी का शिकार हो रहे थे। और फिर राष्ट्रहित की बात है, कार्यकर्ताओं से मैंने मीटिंग ली, हमारे कुछ जनपद साथी थे और कुछ सरपंच जी थे, उन्होंने बोला भाई साहब आप राष्ट्रहित पार्टी भाजपा ही ज्वाइन कर लीजिए। विधानसभा चुनावों में भी क्या अनदेखी नहीं हो रही थी? विधानसभा चुनाव में तो आपने काफ़ी काम किया और बम्पर वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की विजय हुई थी, क्या उस समय अनदेखी नहीं हो रही थी? उस टाइम नहीं, अनदेखी नहीं हो रही थी। उस टाइम आदरणीय रामनिवास रावत जी थे, वो डोर टू डोर सबसे संपर्क किए थे और हमने अच्छी मेहनत की सबने, तो मेरा जो पूरा वेल्ट है उससे टॉप पर आए थे। और अब मैंने आज भाजपा सदस्यता ग्रहण की है, तो मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे, आप पोलिंग देख लेना मेरे जनपद क्षेत्र की, वो भी टॉप पर ही रहेंगी भाजपा के शिवमंगल जी के लिए। तो क्या ये जो जनपद सदस्य और जो सरपंच आज आए हैं, तो क्या ये आपसे प्रभावित होकर आए हैं? जी, ये हम सब की एक ही मेजोरिटी है और सब साथ में ही कार्य करते हैं। तो कार्यकर्ता और नॉन मतलब एक सामान्य कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे, वो कितने आज पार्टी में बीजेपी में शामिल हुए? लगभग आज कम से कम 2-3 सैकड़ा तो गोरस पहुँच ही गए थे। तो क्या उन्हें सदस्यता दिलवा दी गई? हाँ, सदस्यता वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं था आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो कुछ लोगों ने ही सदस्यता ले पाई थी, पर वो सब ने ही सदस्यता ले ली। अब तो पूरा बीजेपी का ही कार्य करेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में, आदरणीय रामनिवास रावत जी के नेतृत्व में। तो प्रदीप जी, आप जनपद सदस्य पति भी हैं एक तरह से, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या अब तो आप विपक्ष की जगह पक्ष में आ गए हैं, अब तो सत्ता दल में हैं, तो क्या विकास कार्य आप उस अपने पूरे क्षेत्र में कराना चाहेंगे इस चुनाव के बाद, क्या प्राथमिकताएं हैं? सबसे पहले तो
जहाँ मेरे जनपद क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट नहीं है, पेयजल की समस्या है, सड़कों की समस्या, उसे लेकर मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं युवा हृदय सम्राट भैया जी राहू भैया जी को अवगत कराऊंगा और हमारे विधायक जी हैं रामनिवास रावत जी से अवगत कराकर उनके कार्य कराऊंगा। प्रदीप जी क्या मानते हैं, रामनिवास जी तो एक चलो बड़े कद्दावर नेता थे ही कांग्रेस के, वो जब बीजेपी में चले गए तो ताकत तो बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन मुकेश मल्होत्रा भी कोई कम अपना वर्चस्व लेकर नहीं चलते हैं, उनके अब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो वो कांग्रेस के लिए रण युद्ध कर रहे हैं, तो क्या उससे क्या ये सीट फंस नहीं जाएगी? मुकेश मल्होत्रा जी पहले तो उनको 44,000 वोट मिले थे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन अब की बार मुश्किल से मुश्किल 15,000 पार हो जाएं तो किस्मत है उनकी। अच्छा, तो यानी कोई ज़्यादा खास प्रभाव पड़ेगा नहीं? कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, सेव कर दे, सेव कर दे।